By the way, I love you. By the way, I love you, bhai. You're. I love you. पीछे देखो पीछे. चाहे जो भी आप बोल सकते हैं. भाई बहुत तगड़ा भीड़ मेले. हाय हाय मैं मर जावा. हाल एकदम से यार क्या कहूँ मतलब. गुड्डू ब्लॉग्स की तरह वीडियो एडिट कैसे करें? फ्रेंड्स बहुत से लोगों की कमेंट आ रही है. सो आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं आपको कैसे उनकी तरह आप वीडियो को एडिट कर सकते हो. अगर आप भी उनके जैसा वीडियो बनाते हो तो कैसे म्यूजिक यूज करना है, कैसे साउंड यूज करना है, कहां से मिलेगा, सारा प्रोसेस बताऊंगा वो भी आसान तरीके से. सो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखना. और सबसे पहले फ्रेंड्स बता दूं कि हम कौन से ऐप से एडिट करने वाले हैं और वो कौन से ऐप से अपनी वीडियो को एडिट करते हैं. तो फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर पर बी एन ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना. अगर आपके पास आईफोन है तो आपको ऐप स्टोर पे वी एन ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना है वहाँ से जाके. उसके बाद से वी एन ऐप को ओपन कर लेना है. जैसे ही ओपन होगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा. प्लस पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी से जो भी वीडियो आपने शूट करके रखी है उसे सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है. जैसे कि हम मेले में गए थे अपनी वीडियो को वैसे ही शूट करते हैं. अगर आप मेरा भी चैनल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं. हम भी उसी टाइप का वीडियो बनाते हैं. सो उसी के लिए मैंने वीडियो शूट की है. सो यहाँ पे देख सकते हैं मेले में काफ़ी सारे लोगों की रिएक्शन देख सकते हैं. यहाँ पे कैसे वो भाई वहाँ तक गए लेकिन घूर रहे हैं, वहाँ से वो मैडम घूर रही है. सो आपको करना क्या है, वहीं अपनी वीडियो में देखना है कि कहाँ पे कौन से लोगों से, अगर किसी से हाय हेलो आपने बात भी की वहाँ पे भी आप मीम्स वगैरह साउंड लगा सकते हैं. लेकिन कैसे लगाना है उस प्रोसेस हम बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की वीडियो में कॉपीराइट आ जा रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जा रहा है, कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा है. तो भाई इन सब से बचना है और अपने चैनल को मोनिटाइज रखना है और काम करते रहना हमेशा. तो वीडियो को ध्यान से देखना, सारा प्रोसेस बताऊंगा. सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपनी वीडियो पे जो भी रिएक्शन जहाँ पे दिख रहा है ना वहाँ पे आ जाना, जो भी फालतू पार्ट है उसे कट कर लेना. सो और जो भी रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे वो भाई देख सकते कैसे हमको घूर रहे हैं. सो यहाँ पे मैं रिएक्शन वाला यूज कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ. तो यहाँ पे करूँगा क्या, देखिए यहाँ से देख सकते हैं वहाँ तक भाई हमको घूरते गए यहाँ तक. सो हम सिंपल प्रोसेस अप्लाई करेंगे. देखिए यहाँ से हम करेंगे क्या, जहाँ से वो भाई घूरते हुए गए वहाँ पे हम कट करेंगे. मतलब जहाँ से देखना स्टार्ट किया वहाँ हम कट लगा देंगे अपने वीडियो में. फिर स्क्रॉल करेंगे और जहाँ तक देखते हुए हमें गए हैं वहाँ तक हम कट लगाएंगे. ओके कट हो गया. यहाँ पे जूम कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इस वीडियो पे क्लिक करेंगे जो हमने बीच में कट किया जहाँ पे रिएक्शन है, और इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे. अब इस डुप्लीकेट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्पीड का ऑप्शन मिलेगा. पहले तो इसकी साउंड को म्यूट कर देना है और यहाँ पे क्लिक करना है और स्पीड पे आना है और यहाँ से सभी डॉट को हटा देना है इस तरीके से. अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन है तो उंगली प्रेस करके रखेंगे तो रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, रिमूव पे क्लिक कर देंगे हट जाएगा. इसको नीचे करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा. तो मैं स्पीड कम कर लिया और देखिए कुछ इस तरीके से अभी वीडियो चले गए यहाँ पर. अब यहाँ पर हम मीम्स लगाएंगे. जो भी सॉन्ग, अगर मान लो कोई सॉन्ग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सॉन्ग लगाना चाहिए तो सॉन्ग लगाएंगे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मीम्स लगाना चाहिए, हंसने वाला लगाना चाहिए, तो वही चीज़ हम लगाएंगे ताकि मैच करे और लोगों को एंटरटेन करा सके. और देखो भाई जो भी म्यूजिक गाना यूज करना है ना वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा. और एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, गुड्डू ब्लॉग्स अपनी वीडियो में जितने भी म्यूजिक मीम्स वगैरह यूज करते हैं ना, गाना यूज करते हैं, जो भी गाना यूज करते हैं, अगर आप भी चाहते हो कि कौन कौन से गाना यूज करते हैं, कहाँ पर मिलेगा, तो उसका सारा लिस्ट हमने बना के रखा है. अगर कमेंट करके कहेंगे कि हाँ उस पर वीडियो बनाइए कि वो कौन कौन सा म्यूजिक गाना यूज करते हैं उसका नाम बताइए, तो हम सारा कुछ बताएंगे डिटेल में. तो कमेंट करके बताना तभी हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे. ठीक है. सो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आ जाना है स्टार्टिंग, जहाँ से आपका स्लो मोशन ये जो क्लिप्स मीम्स वाला है ना, मतलब जो आपका रिएक्शन वाला पार्ट है स्लो मोशन जिस पे ऐड कर दिए वहाँ के स्टार्टिंग वाले पार्ट पे आना है. और यहाँ पे फोटो वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, अपने गैलरी में जाना है. और इंस्टाग्राम से हम ज़्यादातर जो भी मीम्स सॉन्ग होता है ना इंस्टाग्राम से लेते हैं और अपने गैलरी में सेव करके स्टोरी के थ्रू रख लेते हैं. सो यहाँ पे बहुत सारा सॉन्ग हमने सेव करके रखा है, उसमें से कोई सॉन्ग एक सेव कर ले सेलेक्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, मैं सुना भी देता हूँ. प्यारी समझ गई, जहाँ पे लगाना हो मीम्स तो वहाँ पे ये लगा सकते हैं. ठीक है. और जहाँ पे हंसने वाला, जैसे मान लीजिए कोई सॉन्ग लगाना है तो सॉन्ग लगा सकते हैं. यहाँ पे हम बहुत सारा ऐसा मीम्स भी एक गाना रखे हैं, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, तो ये भी हम लगा सकते हैं. तो जहाँ पे आवश्यकता जो है वही चीज़ लगाएंगे तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो लोग देखेंगे नहीं. और भी हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का बांसुरी, जहाँ पे मतलब सिनेमैटिक, अगर आप अपनी वीडियो उस तरीके से बनाना चाहते हो ना तो ये भी कोशिश करें कि सिर्फ आप प्रैंक ही मत करें, लोगों की रिएक्शन ही मत अपने वीडियो में ऐड करें. आपको
थोड़ा बहुत सिनेमैटिक, जहाँ पे जिस लोकेशन पे घूम रहे हो वहाँ पे कुछ सिनेमैटिक सीन दिख रहा है तो उसका सिनेमैटिक आप 5 सेकंड 4 सेकंड का सिनेमैटिक अपने वीडियो में लगाइए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोग उसे पसंद करते हैं, तो आप ये भी कोशिश कीजिए। सो मैं यहाँ पे सॉन्ग पहले लगा लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा सॉन्ग है और फनी भी है, तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा रखे हैं भाई, इतना सारा क्लिप्स है ना कि समझ में नहीं आता क्या करें। सो यहाँ पे सभी का फ़ोटो हम लगा रखे हैं ताकि पहचान में आए। सो आ गए यहाँ पे बहुत सारा सॉन्ग है, हाँ यहाँ पे भी है बहुत सारा सॉन्ग। सो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का गाना है, गाना लगाना चाहते तो गाना लगा लेंगे। मैं लगाना चाहता हूँ कि पीछे देखो वो वाला, क्योंकि वहाँ पे वो भाई मुझे घूर के देख रहा है, तो वो वाला भी साउंड हम रखे हैं तो वो वाला लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये भी आप लगा सकते हैं, देखिए ये भी काफ़ी मस्त लगेगा वहाँ पे, लेकिन मैं ये वाला लगाऊंगा। तो सिंपल यहाँ पे देखो जो लगाना है उसको ऐड कर लेना है, वो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं, आप वीडियो में देखते होंगे बहुत से लोगों की ये भी कमेंट आ रही है कि उनकी वीडियो में जो वीडियो दिखता है, जैसे ये वीडियो है और ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, तो ये वीडियो चल भी रहा है और साउंड भी चल रहा है, तो दोनों दिखाना चाहते हैं बहुत से लोग। तो आप सिंपल क्या कीजिए, अगर वीडियो में वाटरमार्क है तो इसको आप सिंपल इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप पे आइएगा और यहाँ पे जो 1:1 रेशियो इसको सेलेक्ट कर लेना, वीडियो को कुछ इस तरीके से जूम कर लेना और यहाँ पे मैनेज कर लेना, बस फेस को रखना और ओके कर देना, आप वीडियो भी लगा पाओगे। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ वीडियो पे कॉर्नर पे हमने सेट कर लिया, यहाँ पे लगा लिया, छोटा कर लिया और यहाँ पे जो भाई है हमें देख भी रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों साउंड भी चलेगा, वीडियो भी चलेगा और भाई भी रिएक्शन, भाई की रिएक्शन भी दिखेगी। तो देखिए देखिए यहाँ पे पीछे देखो, इतना पे हम बस कर देंगे और ज़्यादा अगर अधिक ज़्यादा हो रहा है ना तो उसको हम कट कर लेंगे, फालतू पार्ट को कट करके डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे जो वीडियो है, वीडियो से भी यानी जो म्यूजिक है उसको भी हम कट करके डिलीट कर देंगे। अब एक बात और बता दूँ कि जो भी आप बॉलीवुड सॉन्ग अगर कोई यूज कर रहे हैं तो आप 2 से 3 सेकेंड यूज करें भाई, अधिक से अधिक 4 सेकेंड, उससे अधिक मत यूज करें। और अगर कोई भोजपुरी सॉन्ग है तो 4 से 5 सेकंड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कि 4 ही सेकंड रखें और आपको इंस्टाग्राम पे सारा मिल जाएगा भाई। अभी हम आपको बताएं कि आपको अगर चाहिए उस नाम जो भी है उसका सारा नाम हम लिस्ट बना के रखें, बोलेंगे तो वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे क्लिप रिएक्शन ऐड कर ली, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आगे जो रिएक्शन है वो अब हम देखेंगे कि आगे कहाँ पे रिएक्शन है। सो बीच बीच में हम एंटरटेन, और ज़्यादा बीच में फालतू पार्ट है ना तो उसे कट करके आपको डिलीट कर देना है। अगर मान लीजिए आपको कहीं रिएक्शन नहीं मिला ज़्यादा तो आप कट कर दीजिए, और वहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको रिएक्शन नहीं मिला और यहाँ से मैं कुछ फालतू पार्ट को कट कर दी, यहाँ से यहाँ तक मुझे फालतू पार्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं देखिए कट कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे रिएक्शन कुछ मिला है, हाँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से रिएक्शन देखिए कट कर लिए, बीच में का फालतू पार्ट इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, देखिए यहाँ पे मैं बीच में रखूँगा इसे और इस बीच में ही रहेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर नहीं क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे जो वीडियो वाला मेन वीडियो वाला है जहाँ पर हमारा वीडियो ऐड है उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर मैं एक रखा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या चीज़ ऐड करना है आपको, बहुत सारा क्लिप्स है भाई समझ में नहीं आता कहाँ पे, जैसे कि 1 hour later 2 minute later होता है ना, तो ये वाला क्लिप आपको रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे चला गया, इसको यहाँ पे लाते हैं, हाँ अब यहाँ पे हमारे ये आ चुका है और इसको यहाँ से एक को डिलीट कर दिया, डबल आ चुका है। अब कुछ इस तरीके से रिएक्शन वाला यहाँ पे दिखेगा, मतलब वहाँ पे साउंड प्ले होगा। देखिए यहाँ पे अधिक है, इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे इतना पे, जैसे कि बीच बीच में अगर फालतू अगर कहीं रिएक्शन नहीं मिला, फालतू पार्ट रिकॉर्ड हो गया है तो उसको कट करके हटा देंगे, उसके जगह पे ये हम डाल देंगे जिससे लोगों को लगेगा कि भाई ने वीडियो जब शूट किया तो कोई रिएक्शन नहीं मिला, इतना रुक के फिर रुकने के बाद वीडियो शूट किया, तो ये उससे लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखिए यहाँ पे मैम जो है हमको घूर रही हैं, तो यहाँ पे मैं एक लगाना चाहता हूँ मीम्स, देखो यहाँ से घूर रही हैं, तो पहले तो यहाँ से कट करेंगे, कट किया और जहाँ तक घूर रही हैं वहाँ तक हम यहाँ देखिए यहाँ तक घूर रही हैं,
कट किया, अब इस पर क्लिक किया, डुप्लीकेट पे क्लिक किया और ये जो लास्ट वाला डुप्लीकेट है इस पर क्लिक करेंगे और इसकी साउंड को म्यूट कर देंगे और इस पर क्लिक करके इसकी स्पीड को कम कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, इन सभी डॉट को बीच वाले को हटा देंगे और इसको नीचे कर लेंगे, इस तरीके से स्पीड कम हो जाएगा। ओके कर देंगे। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर हम जो सॉन्ग, अगर कोई सॉन्ग लगाना चाहते हैं तो सॉन्ग भी लगा सकते हैं, अगर कोई फनी लगाना चाहते हैं तो फनी लगा, तो यहाँ पे हम कोई सॉन्ग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ पहले और बहुत सारा सॉन्ग है, इसमें से कोई एक सॉन्ग सुन लेता हूँ। स्क्रॉल किया, देखिए भाई क्लोज हो जा रहा है, हाँ यहाँ पे, और क्लोज स्क्रॉल किया, हाँ यहाँ पे बहुत सारा सॉन्ग है। तो देखिए ये वाला भी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है। मतलब जो भी आपको गाना अच्छा लगे ना वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं और ये वाला मैं लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो इसको अगर वीडियो भी लगाना चाहते हैं तो सिंपल करेंगे क्या, वीडियो भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो नहीं लगाना चाहते बस साउंड लगाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑडियो निकल जाएगा, वीडियो पर क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है, या फिर वीडियो लगाना चाहते हो तो दोनों रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर प्ले करके देख लेना है, लगभग 2-3 सेकेंड रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, देखिए इतना पे मैं रहने देता हूँ, मर जावा। और इस वीडियो को कट कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे और ऑडियो पे क्लिक करके कट कर देंगे, पीछे वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब इस वीडियो में मैम तो देख रही हैं लेकिन वो दूर चली जा रही हैं, तो इस यहाँ पे हम जूम करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ जाएंगे और यहाँ पे की फ्रेम पे क्लिक कर देंगे और लास्ट वाले पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे फोटो को हम कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जूम कर लिया। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारा रिएक्शन यहाँ पे दिखेगा। फोटो को यहाँ पे थोड़ा सा हम और पीछे की तरफ करेंगे ना तो यहाँ पे और देखने में अच्छा लगेगा यहाँ से, हाँ अब एरिया अच्छा लगेगा, मतलब देखने में अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो एक की फ्रेम गलती से ऐड हो गया, यहाँ पे आएंगे और अब यहाँ से इसको मैनेज करेंगे यहाँ पे, अब देखिए अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे ये जो है घूर रही है, तो जहाँ जहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा है ना सिंपल आपको वहाँ पे जाना है। जैसे कि ये बच्ची मुझे घूर रही है, मैं शूट कर रहा था, तो देखो कैसे देख रही है और हमारे बारे में कुछ बोल रही है कि देखो वीडियो शूट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रही है। तो यहाँ पर मैं कट करके वहाँ पर म्यूजिक साउंड जो भी फनी हंसने वाला है लगा लेंगे और जो भी मीम्स वगैरह है वो भी आप लगा सकते हैं हंसने वाला, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई मतलब एंटरटेन करा रहा है। और सिर्फ हंसाने के लिए काम कीजिए भाई, इसमें किसी को ठेस मत पहुँचा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ भाई, जिनका भी आप रिएक्शन शूट कर रहे हो ना उनसे यार परमिशन ले लिया करो कि मैम हम ये यूट्यूबर हैं, मैं आपकी वीडियो शूट किया हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, मतलब मैं ब्लॉग करता हूँ और इस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं, शूट कर अपलोड कर सकते हैं, तो परमिशन देगी, हाँ तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मत करना भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर आप इस तरीके से वीडियो बनाना और बन जाए तो सिंपल आपको यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से इस पार्ट को कट कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी एडिट करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, आप भी बोर हो जाएंगे। और सिंपल आपको 1080p 60 कर लेना है, इसको इतना पे लगवा एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपकी गैलरी में सेव्ड हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको अपनी वीडियो को एडिट करनी है, ठीक है। और वीडियो पसंद आई फ्रेंड तो लाइक करना, शेयर करना, पैरास कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।